और चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते कुछ सालों में भारत पाक बॉर्डर पर ड्रोन उड़ना बीएसएफ के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। जी हाँ, ड्रोन से अवैध हथियारों की तस्करी, नशे की खेप की सप्लाई होती रहती है। हालांकि बीएसएफ के जवान कई ड्रोनों को मार भी गिराते हैं, लेकिन कुछ ड्रोन सप्लाई करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अब बीएसएफ ने बॉर्डर पर ड्रोन को रोकने का पुख्ता बंदोबस्त कर लिया है, यानी कि पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और बॉर्डर पर स्वदेशी एंट्री ड्रोन सिस्टम तैनात करने की कवायद अब चल रही है। एक स्पेशल रिपोर्ट है, पहले वो आप देखिए। भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से होने वाली हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की पहली रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ पूरी तरह मुस्तैद है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को लेकर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट पर हैं। तारबंदी के पास 24 घंटे बीएसएफ के जवान मॉडर्न हथियारों के साथ पेट्रोलिंग कर सरहद की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उड़ने वाले ड्रोन बॉर्डर पार कर भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। सरहद पर तैनात जवान ड्रोन गिरा देते हैं। बीएसएफ के जवानों ने साल 2023 में करीब 90 ड्रोन को पकड़ा या तहस नहस किया। ड्रोन से निपटने के लिए बीएसएफ की ओर से बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। परीक्षण के बाद आगामी 6 महीनों में एंटी ड्रोन सिस्टम लग जाने की संभावना है। बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम होगा तैनात। आने वाले 6 महीनों में लग जाएगा एंटी ड्रोन सिस्टम। बॉर्डर पर दिखने वाले नापाक ड्रोन को कुछ सेकंड में गिरा देगा। 3 अलग अलग कंपनियों ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डिजाइन बनाए हैं। इन डिजाइनों का भारत पाक बॉर्डर पर कई स्थानों पर परीक्षण किया जा रहा है। इन डिजाइनों में से एक उपयुक्त एंटी ड्रोन सिस्टम का चयन किया जाएगा। एंटी ड्रोन तकनीक किसी भी अज्ञात यूएवी पर 24 घंटे नजर रखेगी। ड्रोन दिखने पर कुछ ही सेकंड्स में मार गिराएगी। एंटी ड्रोन सिस्टम बॉर्डर पर ड्रोन मूवमेंट को लेकर बीएसएफ के जवानों को अलर्ट करेगा। बीएसएफ ने पिछले साल 2023 में अकेले पंजाब में 107 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए। बीएसएफ ने 2023 में पूरी भारत पाक सीमा पर 450 से अधिक ड्रोन देखे जाने की सूचना दी। पाकिस्तान के तस्कर ड्रोन का इस्तेमाल तस्करी के लिए करते हैं। ड्रोन से अवैध हथियारों की तस्करी, नशे की खेप की सप्लाई होती है। एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर बीएसएफ नॉर्थ सेक्टर के डीआईजी योगेंद्र सिंह ने बताया कि ड्रोन सबसे बड़ा थ्रेट है, इसको लेकर हम तैयार हैं। हम सीमा पार से आने वाले ड्रोन से निपटने के लिए वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। इसमें हैंड हेल्ड स्टैटिक व्हीकल माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम शामिल है। ड्रोन बहुत बड़ा थ्रेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उस ड्रोन के थ्रेट को जो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, कई जगह लगाए भी गए हैं और फिजिकल भी हम डोमिनेशन कर रहे हैं। वहीं बीएसएफ के आईजी राजस्थान सीमांत आईपीएस पुनीत रस्तोगी बताते हैं कि पाकिस्तान के ज्यादातर स्मगलर ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। हम पकड़े गए ड्रोन पर रिसर्च करके उसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। एक अलग टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व है और बहुत बार ये देखा गया है कि ड्रोन जो पाकिस्तानी स्मगलर्स हैं वो ड्रोन उड़ाते हैं और ड्रोन फिर हमारे ही एरिया में आता है, तो उसमें ये जो वेपन है इनकी कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है, ये एरिया वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बीएसएफ की पश्चिमी सीमा पर फील्ड यूनिट्स ने जिन 81 ड्रोन को बरामद किया उनके एनालिसिस के लिए दिल्ली के तिगरी कैंप में ड्रोन फॉरेंसिक लैब बनाई है। लैब से मिलने वाले रिजल्ट को संबंधित विभागों और अधिकारियों से शेयर कर रहे हैं। 7 एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में चल रहा प्रोजेक्ट, देश की बाकी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर ESVP प्रोजेक्ट चल रहा है।
पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर यानी जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, नॉर्थ साउथ बंगाल और गुवाहाटी से लगी 7 सीमाओं पर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्थापित किया जा रहा है। 635 कमजोर पैच में से 328 पर काम पूरा हो चुका है। बीएसएफ के फील्ड फॉर्मेशन को बॉर्डर पर होने वाली घुसपैठ की निगरानी करने 6 ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर यानी ओटीडीआर और स्पल्सर मशीनें दी गई हैं। भारत पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी में है। पाकिस्तान हथियारों और नशीली पदार्थों की तस्करी के लिए काफी समय से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और इसे रोकने के लिए भारत पश्चिमी सीमा पर अगले 6 महीने में एंटी ड्रोन सिस्टम लगा लेगा। भारत इस समय एंटी ड्रोन सिस्टम की 3 तरह की टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा है और 3 अलग अलग कंपनियों ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डिजाइन बनाए हैं। इन डिजाइनों का वर्तमान में भारत पाक सीमा पर विशिष्ट स्थानों पर परीक्षण किया जा रहा है और जल्द ही इन डिजाइनों में से एक का मिश्रण को चुना जाएगा और भारत की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इस सिस्टम की मदद से भारतीय सीमा में रात को या धुंध के दौरान आने वाले ड्रोन का भी पता लगाया जा सकता है। भारत ने पश्चिमी सीमा से पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को सीमा पार ही तहस नहस करने और पकड़ने आदि के लिए अपना ही एंटी ड्रोन सिस्टम सरहद पर तैनात किया है और इस सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है और सरहद पार से आने वाले ड्रोन से निपटने के लिए इस पर लगातार काम जारी है, जिसे पाकिस्तान की तरह से हथियार व ड्रग्स को लेकर भारतीय सीमा में आने वाले ड्रोन को जल्द ही खेल खत्म होने वाला है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।